ये खाना यूं ही पड़ा है, शगुन ने खाया नहीं अभी तक। वो ठीक तो है शगुन? शगुन, शगुन, क्या वो तुमने खाना क्यों नहीं खाया? यू ऑल राइट? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आजकल वायरल बहुत फैला हुआ है। लेट मी चेक। डोंट टच मी। तुमने शराब पी है? हाँ पी है। किसी को क्या फर्क पड़ता है? सो जाओ, जाओ यहाँ से। शगुन, शगुन, शगुन। मैंने बोला ना जाओ यहाँ से। मैं बहुत बुरी हूँ। I'm a big loser. मैंने कभी किसी का भला नहीं चाह, तो सबका बस बुरा किया मैंने। मेरे साथ कोई कुछ नहीं रह सकता अब। I'm just terrible. बहुत बुरी हूँ मैं। तुम्हें मैंने बोला ना जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ में नहीं आता कि just leave me alone. हेलो सिस्टर, मैं आज हॉस्पिटल नहीं आ रहा हूँ। कोई इमरजेंसी हो तो मुझे फोन करना, ओके? शगुन को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। मम्मी जी, आप रहने दो, मैं बना देती हूँ। और नहीं, तू घी चंगी तरह नहीं पाती। तेरी भाभी को ना चंगी तरह घी में तैरते हुए परौठे देने, और ना ऊपर से भी तू खूब चंगी तरह ना बटर डाला कर। अच्छा ले, अच्छा मैं उसको बुला के लाती हूँ। इशिता को तू एंज कर, ये सारा कुछ रहता है शता सारा टेबल पे रख। ठीक है। इशिता पुत्र, नाश्ता तैयार है। गुड मॉर्निंग दादी। मॉर्निंग मॉर्निंग। वाह वाह, क्या पराठे हैं। आदि बाबा, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए ना डब्बे में रखे। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है खाने ना। दादी ने बनाया ना, मैं खाऊंगा। हाँ, ये भाभी के लिए, मम्मी जी ने बनाया। मैं आपके लिए दूसरा बना लाता खाने की। सुबह सुबह प्लीज पराठा खाने दो। अरे आदि बाबा, मैं दो मिनट में बना के ला के दे देती। पराठा क्यों नहीं खा रहे? दो ना। मम्मी जी मुझे डांट लगा। दीदी कुछ नहीं होगा, आप निशिमा को दूसरा पराठा बना के दे देना। मैं आपके लिए एकदम ताजा घी लगा के खा। नहीं निशिमा को घी लगा के दे देना, अभी मुझे खाने दो। आदि बाबा मैं बना देती हूँ ना दूसरा। अरे मैं भी बना के पराठा। आदि बाबा ये क्या किया, सारा गिरा दिया ना। दो मिनट रुक नहीं सकते? अपना पराठा। भाभी आपका पराठा ले रहा था, मैंने कहा दो मिनट रुक जाओ मैं बना। मेरा पराठा क्या है, मेरा आदि का ही हुआ ना सब कुछ। आदि, इशिता, बेचारा तू उसके पीछे ऐसे ना भाग पुत्र, इधर बैठ जा। मैं भल्ला जी को फोन कर दूंगी, वो रस्ते से उसको पतीली वाले छोले खिला देंगे, खुशी खुशी स्कूल जाएगा। बैठ जा। क्या मम्मी जी, वो बेचारा सिर्फ पराठे के लिए गुस्सा हो गया। ओ यार, तू खाना खा, चल चल मेरा बच्चा, दिला देंगे ना भल्ला जी, खा ले मेरे बच्चों, खा ले। अच्छा खाने के साथ और अच्छा पढ़ने के साथ ईशु को अच्छा सुनना भी इम्पोर्टेंट है। ये नाद स्वरम और ये अजगोविंदम सुनेगी तो बेबी और ईशु दोनों को कितना काम लगेगा। उसको देखे आती की गलत हो जी, आज दिन में मूड में आ गए। और तो फिर क्यों यार, मूड ही चांद वास्ते कोई मुहूर्त खुलवाना पड़ता क्या? इसको बोलते हैं म्यूजिक, कुछ ऐसा प्ले करो। चुप हो, खोते जी खुर ना पता ना सुर, ऐसे करते टूर टूर टूर। ये ना पाई क्यों? अरे क्या कर रहे हो? मार जा 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 जा
इतने बनाया वो हमारे गुरुद्वारे दी जान बनेगा पंजाबी दी शान बनेगा यूं सर मैं भी जाने का क्या हुआ क्यों लड़ रहे यार तू अपनी मां को समझाना बच्चे को कोई ऐसा गाना सुनाता है किसका बच्चा क्या कर रहे हो आप लोग झगड़ क्यों रहे हो ओए नौटंकी तेरा तो इशिता था बच्चा मेरा इशिता पता चल गया ओए जब तूने हमें झूठी कहानी सुनाई थी ना वो बेबी वायरस वाली उसी वेले हम समझ गए थे कि गल कुछ हो रहा है और तब हम डॉक्टर मनोज के पास गए एंड ही टोल्ड अस करना मेरी ईशु मां बनने वाली है मुझे समझ में आया कि वो नीलू मुझे भर भर के बटर के पराठे क्यों खिला रही है हाँ हमने इसको बोला था कि इसको खूब भर भर के बटर खिला बच्चे के लिए चंगा पता है पुत्र तेनु नहीं पता ये खबर सुन के ना तेरी माँ ते मैं कितने खुश हैं और हमें ये भी पता है कि तूने ते रमन ने ये गल हमसे किस लिए छुपाई थी इसलिए तू टेंशन ना ले बस खुश रहे ये तो मिरेकल हो गया हेलो ये मिरेकल में मेरा भी हाथ है मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें चुप कर बैठ जाओ मैं जाती हूँ आप रमन को किसी भी कर लो रमन मैं सत के जावा फिर माफ करेगा तू अच्छा अच्छा गल सुन गल सुन ओ वाकई तू जनन हो रही थी आप चुप करो यार उसी का मतलब संदर्भ भेजा डॉक्टर मनोज ने कहा है कि वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इसलिए बहुत सावधानी बरतनी हो हिस्टा को जरा भी काम नहीं करने देना और क्लिनिक तो बिल्कुल नहीं जाएगी सवाल ही नहीं पैदा होता मां प्लीज संभाल लेना अपनी पागल बहू कोई गल नहीं मैं चला ऑफिस हॉस्पिटल मैनेजमेंट की डिग्री वहीं भी होती है लेकिन ना कल लास्ट डेट थी वहाँ की और मैं रोहित के चक्कर में जा ही नहीं पाई अरे पर ये तो जरूरी काम है ना तो उसमें डिले कैसा फिर तुम अभी चलो लेकिन अभी कैसे बंधु अक्का है ना वो वहाँ के प्रिंसिपल को जानती है सो आई थिंक कुछ ना कुछ तो वर्कआउट हो जाएगा शायद अलाउ कर दे नीलू इशिता के लिए इस पर आउट भिगा दे अब उसने सिर्फ हेल्दी खाना है मम्मी जी हम लोग जरा आते हैं ओए मेरी टांग जली बिलियो अब मेरा मतलब है मेरी बहू रानी हो तो घर में बैठे हो कोई क्लिनिक नहीं जाना आराम करो हम लोग क्लिनिक नहीं जा रहे मम्मी जी वो इसका एडमिशन कराना था ना उसके लिए जा रहे चल 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 मम्मी जी आते हैं जल्दी आएंगे यार पर ओए होए नहीं सुनना नहीं सुनना सवाल ही नहीं पैदा होता कि इन्होंने सुनना बस सारा कसूर तेरा ही है तोशी कितनी बारी बोलिया सी जरा कड़क सास भर जिस तरह टीवी में दिखाते टाइप की पर ना जी ना तू भी नहीं हट दी होर प्यार कर भवा दे नाल ते भुगत